हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्शन। प्रतिदिन इस प्रकार के डिक्टेशन बनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के डिक्टेशन की गति है 60 शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन दीपक प्रकाशन की बुक में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र 2006 से लिया गया है। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटिल समस्या बनाए हैं। एक तो यह है ही, दूसरी खेती की बर्बादी, यानि 90% किसान जो गांवों में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती तथा देसी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहां तहां हो सका है, किसानों की भलाई के लिए किया है। और इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने समय के लिए नियुक्त किए गए हैं यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा। पैरा, आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या ना होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार ना बैठने पावे। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देसी व्यापार आदि से है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है? क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं हो सकता? यथार्थ में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दास्ता है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। पैरा, यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, तो क्या तुम
कह सकते हो कि दास्ता की बेड़ियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, शिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को हल ना कर सकेगा। स्टॉप।